जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपका फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो शायद आपका फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो जाता। कुछ भी, कुछ भी। हाँ, मुझे पता है कि इस बात पे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप जब फर्स्ट ब्लॉग बनाने जाते हो तो आपके माइंड में ये सवाल आता है कि फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में बोले क्या? और ये आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, और आप कोई वीडियो में ये चीज सुन लेते हो कि फर्स्ट ब्लॉग में क्या बोलें, और वो आपको बताते हैं क्या, कैमरा निकालो, कैमरा चालू करो और रिकॉर्डिंग चालू करो और बोलना शुरू कर दो। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, और ऐसा इंट्रो आप रिकॉर्ड कर लेते हो और डाल देते हो यूट्यूब पे। तो सोचो कि अगर जिसने आपको ये वीडियो बनाने के लिए, ये वर्ड बोलने के लिए आपको बताया, उसी का वीडियो वायरल हो जाता, आपका वीडियो क्यों वायरल होगा? लोग आपको क्यों देखेंगे? आपको कुछ नया करना होगा। नया क्या करना होगा? हाँ, चलो मैं पेड़ ही उखाड़ देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेड़ को उखाड़ा जाता है। तो ऐसे पकड़ लो और ऐसे उखाड़ दो। नहीं उखड़ा, ये नया नहीं हुआ, आपको कुछ नया करना होगा। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा नया करना होगा जो लोगों ने आज तक पहले नहीं किया है। लोग तो फर्स्ट ब्लॉग में क्या करते हैं, कैमरा चालू करते हैं, वीरोल वीडियो शूट करते हैं और बोल देते हैं कि सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा पहला वीडियो, और आज मैं आप सभी को अपने गाँव का खेत दिखाऊंगा। अरे भाई, खेत तो सबको ही देख रहा है, कुछ नया दिखाओ ना आप। नया मतलब कि मान लो कि आप जिस शहर में रहते हो, है ना, और उस शहर के अंदर आपको कोई एक चीज बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो पार्क हो गया, चाहे वो जगह हो गया, चाहे वो कोई एकांत सा जगह हो गया। लोग आजकल कुछ नया देखना चाहते हैं, तो आप अगर नया दिखाओगे और आपका भी वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन इतना जान लो कि आपको पहले वीडियो से लेकर 10 वीडियो, 15 वीडियो तक आपको बुड़बक ही बन के रहना होगा। बुड़बक इन द सेंस का मतलब कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है यूट्यूब के बारे में, आप कुछ नहीं जानते हो यूट्यूब के बारे में। आप बस एक बढ़िया टाइटल लिख दो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दो, टैग वैग जो आपको मन आता है करो। लेकिन अगर आप टैग स्पैम करोगे तो वो गूगल बुड़बक नहीं है, यूट्यूब बुड़बक नहीं है, वो डिटेक्ट कर लेगा, और आपका वो वीडियो अगर चाहेगा भी कि वायरल हो तो ना होगा। तो ज़्यादा स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल रखो, सिंपलसिटी रखो, और ज़्यादा बनावटी बातें मत बोला करो। तो मान लो कि अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कोई ऐसा जगह है जिसके बारे में लोगों को जानने में उत्सुकता होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि हाँ, कैमरा आपने चालू किया और बोल दिया कि यार सुना है कि इस गांव में ये जो जगह है काफी फेमस है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो, आपने उनके अंदर क्या किया, क्यूरोसिटी बढ़ाया, मतलब उनके अंदर उत्सुकता बढ़ाया कि अरे यार, इस गांव में कौन सा ऐसा जगह है जो लोग जानना चाहते हैं। हैं, अगर लोग नहीं भी जानना चाहते तो भी आप बोलो। आपको वीडियो पे लोगों को रोक के रखना होगा। जितना देर तक आप वीडियो पे रोक के रखोगे जनता को, उतना आपका वीडियो आगे तक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के अंदर आप सभी ये चीज सीख चुके होंगे कि आपको फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में क्या बोलना है, कैसे बनाना है, और उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो देखने के बाद आपका फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो वायरल जरूर होगा। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, जाइए और कुछ नया बनाइए।
तो हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।